गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो स्टैम्प पर जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आप सभी के लिए, सो इस रीडिंग में चेक करने वाली हूँ आपके पर्सन की स्टैम्प की करेंटली एनर्जीज को, यानी कि राइट नाउ स्टैम्प पर जो आप इस रीडिंग को देख रहे हो बिल्कुल इसी टाइम पर आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, आपके लिए क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, या फिर क्या ये पर्सन आपको लेकर कुछ सोच भी रहे हैं। तो चेक करेंगे इस एनर्जीज को, जो कुछ भी एनर्जीज आएंगी गाइस आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली टैरो का डेली नोटिफिकेशन के लिए, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखे ओम नमः शिवाय। सो चेक कर लेते हैं आपकी पर्सन की करंटली एनर्जीज को, आपको लेकर ये जो भी पर्सन है इनके साथ में आपका जो भी रिलेशन है क्या कुछ महसूस कर रहे हैं इस टाइम पर। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ कप्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल के कार्ड की एनर्जीज है मेरे पास में, एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स जो मुझे यहाँ पर बता रही है कि इस टाइम पर जो कोई भी पर्सन है ये मुझे लग रहा है इस टाइम पर जो है आपसे कोई बात कहना चाहते हैं, या फिर अपनी कोई फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, या फिर इस टाइम पर ही कोई ऐसी बात सोच रहे हैं जिसमें इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इनको ये फीलिंग जो है आपके साथ में भी शेयर करनी चाहिए, फिर ये फीलिंग जो है आपके साथ में भी शेयर करनी चाहिए। सेकेंड एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है कि इन पर्सन में कोई ना कोई मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है कि ये पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पर्सन इस टाइम पर आप जो फील कर पा रहे हो इनको लेकर, या फिर इस टाइम पर आप जैसी फीलिंग यहाँ फील कर रहे हो बिल्कुल वैसी ही फीलिंग्स कहीं ना कहीं दूसरी साइड में ये पर्सन भी फील कर रहे हैं, यानी कि जो कुछ आप इनको लेकर सोच रहे हो या फिर इस टाइम पर जो कुछ आप इनको लेकर फील कर रहे हो इस टाइम पर। सो मुझे लग रहा है ये पर्सन इस टाइम पर इनकी भी कुछ कुछ फीलिंग्स वैसी ही यहाँ पर मुझे होती हुई नज़र आ रही है। किसी बात को लेकर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है इनके माइंड में, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसी बात को सोच रहे हैं, कुछ आपसे कहना चाहते हैं, कोई ना कोई बात है इनके दिल में, कोई ना कोई बात है इनके दिमाग में इस टाइम पर। जो ये पर्सन बार बार इनका मन कहता है इनसे कि इनको ये फीलिंग जो है आपसे कह देनी चाहिए, इनकी जो फीलिंग है आपसे शेयर कर देनी चाहिए, बट इस टाइम पर जब करंट की एनर्जीज को मैं ले रही हूँ कि ये पर्सन आपके साथ में अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं। इस टाइम पर ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को एक प्रेपरेशन तरीके से कर रहे हैं, फिर अपने को कहीं ना कहीं तैयार कर रहे हैं इस बात को लेकर कि अपनी फीलिंग ये आपसे कह सके, जो ये पर्सन आपको लेकर फील कर रहे हैं। कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि किसी बात को लेकर गिल्ट या किसी बात को लेकर पछतावा है, या फिर किसी बात को लेकर जो है ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, किसी बात को लेकर इनको बुरा महसूस हो रहा है कि पास्ट में हो सकता है इन पर्सन ने जो है आपसे कोई मिसबिहेव किया हो या फिर रूडली कुछ बोला हो, तो उस बात को लेकर ये पर्सन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर हाल फिलहाल में रिसेंटली इनके साथ में इन्होंने शायद वही बिहेवियर किसी और से जो है खुद फेस किया है, शायद जो बिहेवियर पास्ट में उन्होंने आपके साथ में किया था इस टाइम पर हो सकता है ये पर्सन खुद ही जो है वही सेम बिहेवियर किसी अदर साइड से रिसीव कर पा रहे हैं, अदर साइड से महसूस कर रहे हैं, जिसको जो है फील करने के बाद ये पर्सन सोच रहे हैं कि जिस तरीके से जो है इन पर्सन को इस टाइम पर बुरा लग रहा है, या फिर इस टाइम पर इन पर्सन को दुख पहुँच रहा है, या फिर दुखी हो रहे हैं पर्सन, बिल्कुल उसी तरह से जो है मुझे लग रहा है ये पर्सन अब आपके लिए जो है सॉरी फील कर रहे हैं, फिर दुखी हो रहे हैं। सो ये एनर्जीज मुझे आप में से कुछ लोगों के पर्सन के लिए मिल रही है, एंड बहुत ज़्यादा एनर्जीज यहाँ पर ऐसी भी है, कोई लविंग एनर्जी यहाँ पर मुझे बड़ी तेज़ी से इन पर्सन की तरफ से आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है। आपकी कोई ऐसी मेमोरी या फिर पास्ट की आप दोनों की कोई ऐसी बात, कोई ऐसी याद जो शायद इस टाइम पर पर्सन उसको देख रहे हैं, आपकी कोई पिक देख रहे हैं, या फिर आपको शायद उन्होंने ड्रीम में हाल फिलहाल में देखा है, या फिर कोई ना कोई, या फिर आपके नेम का लेटर, कोई ना कोई चीज़ इनके हाल फिलहाल में इनके सामने आई है जिसको देखकर इन्हें अचानक ही आपकी याद आई, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उससे पहले पर्सन अपने किसी और चीज़ में इन्वॉल्व थे, अचानक से ही कुछ ऐसा हुआ है इनकी लाइफ में जो इनको खींच कर लेकर आया है कि ये आपको मिस करें, आपको याद करें, इनका ध्यान आपकी तरफ जाए, इनका कॉन्सेंट्रेशन आपकी तरफ जाए, कि अपना सारा जो काम है उसको साइड में करके सबसे पहले ये पर्सन अपने पास्ट की मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, अपने पास्ट की ब्यूटीफुल मेमोरीज़ को याद करते हैं, फिर ये पर्सन जो है दुखी भी हो जाते हैं, सैड भी हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं लो फील करने लगते हैं अचानक से, क्योंकि इनको जो चीज़ें याद आती हैं पास्ट से जुड़ी हुई वो कहीं ना कहीं इनको वो एनर्जीज भी देती हैं कि शायद पास्ट में इनसे कोई गलती हो गई, इनसे कोई भूल हो गई, कोई ऐसी मिस्टेक हो गई जिससे अब आप दोनों सेपरेशन एनर्जीज में आ गए हो। बट साथ ही के साथ मैं देख रही हूँ किसी बात को लेकर ये पर्सन ऐसा भी महसूस करते कि जो टाइम है
ये जो प्रॉब्लम्स है ये कोई हमेशा के लिए नहीं है, ये तो एक छोटी मोटी नोकझोंक है या फिर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है जो बहुत जल्द जो है ये इस पर्सन जो है पर्सनलिटी से बाहर आ जाएंगे, इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। सो ऐसी एनर्जीज आप में से कुछ लोगों के पर्सन के लिए मुझे यहाँ पर मिल रही है। साइन की बात करूँ तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज मुझे यहाँ बड़ी तेज़ी से नज़र आ रही है। जैमनी हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस की एनर्जीज आ रही है, एरीज की एनर्जीज यहाँ पर मुझे मिल रही है, टॉरस की एनर्जीज अगेन मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन इस साइन के हो सकते हैं। लेटर एफ आपके पर्सन के नेम में हो सकते हैं। लेटर पी की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है कि आपके पर्सन के नेम के लेटर में या फिर आपके नेम के लेटर में लेटर पी हो सकता है। लेटर ए मुझे नज़र आ रहा है, लेटर एच एंड लेटर आई हो सकते हैं जो आपके पर्सन के या फिर आपसे जो है मैच कर सकते हैं। इस टाइम पर मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है। सो बहुत ज़्यादा ये पर्सन इस डिस्टेंस को इस टाइम पर महसूस कर रहे हैं, सेपरेशन को बहुत ज़्यादा ये पर्सन इस टाइम पर महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं सेपरेशन के चलते। आपके लिए भी अगर मैं एनर्जीज को देखूँ तो उस टाइम पर शायद आप भी बहुत ज़्यादा पूरी तरह से आपका जो फोकस है इस टाइम पर, जो आपका ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन की तरफ लगा हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पर जो आप है अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, अपने पर्सन पे जो है ध्यान लगा रहे हैं, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। सो आई होप आपके साथ मुझे रीडिंग है गाइज रेजोनेट की हो। टिल द टाइम टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।